हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय एजुकेशन चैनल। आज डिस्कस करेंगे स्टीम इंजीनियरिंग के लेक्चर सीरीज के बारे में, जिसमें आज का हमारा टॉपिक है स्टीम बॉयलर, जो कि आपकी गेट एसएससी जेई आरआरबी जेई की परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। व्हाट इज स्टीम बॉयलर या व्हाट इज बॉयलर? फ्रेंड्स, बॉयलर मे बी डिफाइंड एज ए क्लोज्ड वेसल इन विच स्टीम इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम अंडर वाटर बाय कम्बशन ऑफ फ्यूल्स। बॉयलर एक ऐसा डिवाइस है जो कि जिसके द्वारा हम स्टीम को प्रोड्यूस कर रहे हैं। किसके द्वारा फ्रेंड्स? स्टीम को हम प्रोड्यूस कर रहे हैं वाटर से बाय बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। बॉयलर के दो महत्वपूर्ण पार्ट्स हैं, बॉयलर माउंटिंग्स एंड बॉयलर एसेसरीज। बॉयलर माउंटिंग्स फ्रेंड्स वो होती है जो कि बॉयलर को सेफ्टी प्रोवाइड करती है, और बॉयलर एसेसरीज वो एसेसरीज होती है जिसके द्वारा हम बॉयलर की एफिशिएंसी, आउटपुट जो एफिशिएंसी है उसको हम इंक्रीज कर सकते हैं। बॉयलर माउंटिंग्स के अंदर मेन फर्स्ट है सेफ्टी वॉल्व। फ्रेंड्स, जो सेफ्टी वॉल्व होता है वो हमारे जो बॉयलर होता है उसके टॉप पर लगा हुआ होता है। जब हमारे बॉयलर के अंदर स्टीम का प्रेशर एक सेफ्टी लिमिट से बाहर चला जाता है, तो हम इस सेफ्टी वॉल्व के द्वारा हम उस प्रेशर को रिमूव कर सकते हैं या उस प्रेशर को रिमूव कर सकते हैं। सेकेंड हमारी है प्रेशर गोज। फ्रेंड, जो प्रेशर गोज एक ऐसा प्रेशर गोज है जो कि हमारे जो स्टीम है उसकी प्रेशर को मेजर करता है। फ्यूजिबल प्लग एक ऐसा प्लग है जो जिसके द्वारा जब हमारे बॉयलर के अंदर जब स्टीम का जो वाटर का लेवल बहुत कम हो जाता है तो हमारे जो फर्नेस है उसको ये बंद कर देगा। किसकी मदद से? फ्यूजिबल प्लग की मदद से। जब हमारे बॉयलर के अंदर वाटर बहुत कम है, यानी कि एक सेफ्टी लिमिट है वाटर की या जो मिनिमम लिमिट है उससे अगर हमारा वाटर लेवल कम हो गया तो हमारा जो फ्यूजिबल प्लग है वो फर्नेस को उस समय बंद कर देगा। वाटर लेवल इंडिकेटर क्या होता है फ्रेंड्स? जो हमारा बॉयलर के अंदर वाटर कितना बचा हुआ है उसके लेवल को इंडिकेट करता है। फीड चेक वॉल्व एक ऐसा वॉल्व है जिसके द्वारा हम बॉयलर के अंदर वाटर को एंटर कर रहे हैं, और यह एक नॉन रिटर्न वॉल्व होता है। मैन होल क्या होता है फ्रेंड्स? मैन होल एक ऐसा होल है जिसके इंस्पेक्शन विंडो कह सकते हैं हम इसको, जिसके द्वारा हम चेक कर सकते हैं कि हमारा जो फ्यूल है वो सही जल रहा है या नहीं जल रहा, स्टीम प्रोड्यूस हो रही है या नहीं हो रही। बॉयलर एसेसरीज वो होती है जो एफिशिएंसी को इंक्रीज करती है, इस बॉयलर की एफिशिएंसी को, जिसमें पहला हमारा है इकोनोमाइजर। इकोनोमाइजर क्या होता है फ्रेंड्स? जो हमारा वाटर है उसको पहले ही प्री हीट करके हम एंटर करते हैं बॉयलर के अंदर इकोनोमाइजर की मदद से। एयर प्री हीटर क्या होता है फ्रेंड्स? जो अब एयर आ रही है उसको ही हम प्री हीट कर देते हैं जिससे हमारा फ्यूल कम लगे। एयर प्रीसिपिटेटर क्या होता है फ्रेंड्स? जब हमारे चिमनी के अंदर जो फ्लू गैसेज एग्जॉस्ट हो रही हैं उसमें से कार्बन कंटेंट को रिमूव करने के लिए एयर प्रीसिपिटेटर यूज में ले रहे ताकि हमारा पॉल्यूशन कम हो। सुपर हीटर क्या होता है फ्रेंड्स? जो ये एक ऐसा डिवाइस है जिसके द्वारा हम सैचुरेटेड स्टीम को सुपर हीट स्टेट स्टीम में कन्वर्ट कर रहे हैं, और जो भी हमारे वाटर पंप लगे हुए हैं बॉयलर के अंदर वो बॉयलर एसेसरीज ही होती हैं, क्योंकि इन्हें हम अलग से ही इंस्टॉल करते हैं। ड्रॉट भी एक बॉयलर एसेसरीज है। ड्रॉट चिमनी के पास लगा हुआ होता है जो कि हमारे एग्जॉस्ट को रिमूव करने के लिए और फ्रेश एयर को एंटर करने के लिए काम आता है। ग्रेट सरफेस जो होता है वो बॉयलर माउंटिंग्स है। ग्रेट सरफेस क्या होता है फ्रेंड? जहां पर हमारा कोल जिस पर रखा जाता है उस सरफेस को हम ग्रेट कहते हैं। ये एक जालीनुमा संरचना होती है जिसमें से एयर पास होती रहती है ताकि हमारी जो मैक्सिमम एयर है वो कोल के संपर्क में रहे ताकि कंप्लीट कंबशन हो। फायर डोम एक ऐसा डिवाइस है या एंटर इंस्पेक्शन एंटर या विंडो है जिसके द्वारा हम कोल को फर्नेस में या बॉयलर में एंटर कर रहे हैं। डिफ्लेक्टर क्या है फ्रेंड्स? जब बॉयलर के अंदर जो हमारी फ्लू गैसेज होती है उनका सही यूटिलाइजेशन हो सके, मैक्सिमम यूटिलाइजेशन हो सके या मैक्सिमम वो वाटर के कॉन्टेक्ट में रहे, इसके लिए हम डिफ्लेक्टर यूज में लेते हैं। स्टीम स्टॉप वॉल्व क्या होता है फ्रेंड्स? जब हमारा स्टीम स्टॉप वॉल्व है, जब हमारा जो ये सुपर हीटेड स्टीम बन रही है उस स्टीम को हम टर्बाइन से कांटेक्ट में रखते हैं ताकि, क्योंकि सुपर हीटेड स्टीम क्यों? क्योंकि हमारी जो टर्बाइन होती है वो करोड़ नहीं हो, इसलिए हम सुपर हीटेड स्टीम यूज में लेते हैं। तो ये जो स्टीम स्टॉप वॉल्व है वो इसीलिए यूज में आता है। ब्लो ऑफ कॉक क्या होता है फ्रेंड्स? जब हम देखते हैं कि हमारा जो वाटर एंटर हुआ उसके अंदर कुछ ना कुछ इम्प्योरिटीज रहती है, उस इम्प्योरिटीज को रिमूव करने के लिए हम ब्लो ऑफ कॉक या वॉल्व का यूज में लेते हैं, और इस प्रोसेस को हम ब्लोइंग ऑफ कहते हैं। बॉयलर क्लासिफिकेशन आगे हमारा टॉपिक है। बॉयलर क्लासिफिकेशन में हम मेनली बॉयलर को दो टाइप से क्लासिफिकेशन कर रहे हैं कि फायर ट्यूब है या वाटर ट्यूब है। फायर ट्यूब का मतलब फ्रेंड्स ये होता है कि इसके अंदर जो फ्लू गैसेज होती है वो ट्यूब के अंदर फ्लो होती रहती है और ट्यूब के चारों ओर हमारा वाटर सर्कुलेट रहता है। और फायर ट्यूब जो बॉयलर होते हैं वो लो प्रेशर बॉयलर होते हैं ताकि, क्योंकि ये लो प्रेशर पर वर्क कर रहे हैं जिसमें से मैक्सिमम इनका जो प्रेशर होता है वो होता है फ्रेंड्स 16 बार
16 बार जो अगर प्रेशर है तो वो फायर ट्यूब बॉयलर है। मेनली फायर ट्यूब बॉयलर है, कोकरन बॉयलर जो कि वर्टिकल ट्यूब बॉयलर भी है क्योंकि इसके अंदर जो ट्यूब रहती है वो वर्टिकल रहती है। लंकाशायर भी बॉयलर भी फायर ट्यूब बॉयलर है जिसके अंदर हॉरिजॉन्टल ट्यूब होती है। लोकोमोटिव और स्कॉच मरीन बॉयलर आर फायर ट्यूब बॉयलर, बट इसके अंदर ये मोबाइल बॉयलर होते हैं क्योंकि इन्हें हम आसानी से एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सकता है। हमारा कॉर्निश जो बॉयलर है वो भी फायर ट्यूब बॉयलर है जिसका डायमीटर जो होता है सेल डायमीटर इक्वल टू 1.2 मीटर और जिसकी जो लेंथ होती है जो ड्रम लेंथ वो होती है 4 से 7 मीटर लेंथ। फ्रेंड्स जो ये लोकोमोटिव बॉयलर और कॉर्निस बॉयलर है इन्हें हम अनदर टाइप से भी क्लासिफिकेशन कर सकते हैं कि इनमें जो होता है वाटर सर्कुलेट होता है वो आर्टिफिशियल सर्कुलेशन होता है यानी कि फोर्स सर्कुलेशन होता है। फ्रेंड्स जो लोकोमोटिव बॉयलर है उसके अंदर जो वाटर सर्कुलेट हो रहा है वो जेट जो स्टीम जेट होता है उस जेट की वजह से हमारा वाटर सर्कुलेट होता है। हमारा सेकंड क्लासिफिकेशन है बॉयलर का वो है वाटर ट्यूब बॉयलर। फ्रेंड्स वाटर ट्यूब बॉयलर को हम हाई प्रेशर बॉयलर भी कहते हैं क्योंकि इन्हें ये हाई प्रेशर पर भी ऑपरेट हो सकते हैं। इनका अगर मैक्सिमम प्रेशर टेम्परेचर जो प्रेशर होता है वो 100 बार के अंदर भी ये बॉयलर यूज में आ सकते हैं। इस मेनली ये बॉयलर है बैबकॉक्स एंड विलकॉक्स बॉयलर जिसके अंदर जो हॉरिजॉन्टल ट्यूब लगी हुई होती है। स्टिल्लिंग जो बॉयलर भी वाटर ट्यूब बॉयलर है जिसमें बेंट ट्यूब होती है। लमोंट बॉयलर एंड बेंसन बॉयलर भी वाटर ट्यूब बॉयलर होते हैं। ये जो बैबकॉक्स एंड विलकॉक्स जो बॉयलर होता है उसमें जो ट्यूब्स होती हैं वो 15 डिग्री पर इंक्लाइंड होती है और बेंसन बॉयलर के अंदर एक ऐसा बॉयलर है जिसके अंदर कोई भी ड्रम नहीं होता और ये वंस थ्रू बॉयलर होता है। फ्रेंड्स वंस थ्रू बॉयलर का मतलब ये है कि जो वाटर होता है वो एक बार में ही सर्कुलेट होता रहता है। पेंशन बॉयलर को हम ही क्रिटिकल प्रेशर बॉयलर भी कहते हैं। लेमोंट बॉयलर एक ऐसा बॉयलर है जिसके अंदर केवल एक स्टीम ड्रम होता है। फ्रेंड्स इफ यू लाइक दिस वीडियो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय वीडियो एंड सब्सक्राइब फॉर अपकमिंग लेटेस्ट वीडियोज। फ्रेंड्स अगर आपको बॉयलर से रिलेटेड आपको अगर PDF भी चाहिए तो आप हमारे फेसबुक पेज पर जाकर उसे डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।